ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, हम वैसे भी लेट हो चुके हैं। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हमें अपने आप को सज्ज करना होगा। किस क्षेत्र में जाना है, कैसे जाना है, रिकॉर्ड ब्रेक शोइंग दलहन और तिलहन का हमारे किसानों ने किया। जय जय कृषि परिषद भारत की। के अवसर जो कृषि के छात्र हैं उनके लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर, किसी ने वैकेंसी की बात की, पड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में वैकेंसी आए, तो इसमें हम 2000 और। माननीय मंत्री महोदय, गत कई वर्षों से हमारी मांग रही है कि एग्रीकल्चर सर्विसेज के ऑल इंडिया कैडर का गठन किया जाए। कई क्षेत्रों में हमने चिंता नहीं की, जिसमें आपका भी विषय है, आपका भी विषय है केंद्रीय सेवा, कृषि का केंद्रीय सेवा, मैं इसको भी बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ। सबमिट करते रहते हैं कि सभी गवर्नमेंट से, राज्य सरकारों से, एग्रीकल्चर को आप उपेक्ष मत करिए। Neglect agriculture when it is actually their major vote bank. Because farmers have no voice, they have no lobby, they are not kind of united. They don't have that kind of a lobby that, for instance, industry has or the big corporates have or other groups of people have in this country. Farmers themselves are divided. And whereas agriculture has sustained the economy when everything else was failing. If you remember, in the last year when there was a global crisis and when everything else was failing, then it was agriculture which progressed, which had a growth rate of almost 4%. The young people will come to power because they have the majority. The youth and the poor are the two genuine majorities of this country. Correct. And both of them, the poor will suffer the price rise, the youth suffer from hatred of corruption and insincerity and dishonesty. Therefore, all political parties have to address the problems of the youth and reschedule the problems of the poor. Debt. But that doesn't help. And I hope the political parties will have the sense to include in their manifestos that they will implement the Farmers Commission report. जब ये सड़क शांत हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ये सरकार पूरी तरह से अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है। इसे न तो किसानों की दुर्दशा दिखाई देती है, न तो हमारी मांगे सुनाई देती है, और न ही हमारे सवालों का कोई जवाब है इसके पास। कारण साफ है। अभी तक समझे नहीं का भैया, हम तो ऐसे ही करते रहेंगे और बस तुम तमाशा देखते रहना। और कर भी क्या लोगे, 5 साल का लाइसेंस है हमारे पास। जरा सोचिए, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही, और अब भी अगर आप अपने घर में आराम से बैठे रहे तो अच्छे दिन आने से रहे भैया। अब समय आ गया है गांधी के सत्याग्रह का, जनशक्ति के प्रदर्शन का, और ये दिखाने का कि इस लोकतंत्र में प्रधान कौन है और सेवक कौन है। इसलिए हमारी हरेक उस शख्स से अपील है कि वे आगे आए और इस मुहिम में अपना योगदान दें। याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, एक ही विकल्प, धरना। जय हिंद।